अपने आसपास की ताजा तरीन खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली न्यूज झारखंड और घंटे के बेल आइकन दबाना ना भूल। नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। रंका से हमारे संवाददाता प्रदीप साव की रिपोर्ट। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने किया टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण। उत्क्रमिक मध्य विद्यालय बसकटिया विश्रामपुर के प्रांगण में 18 प्लस लोगों को टीका शिविर लगा कर दिया गया। सरकार के जारी गाइडलाइन के अनुसार रंका प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बसकटिया विश्रामपुर के प्रांगण में वैक्सीन शिविर का आयोजन किया गया। समाचार लिखे जाने तक 18 प्लस के 40 लोगों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन दी गई। इन्हें ANM सुभागी तिर्की ने वैक्सीन दी। युवाओं में वैक्सीनेशन को लेकर काफी उत्साह का माहौल बना हुआ है, चाहे वो 18 वर्ष के हों या फिर 45 वर्ष के आयु के, ये सभी लोग उत्साह पूर्वक वैक्सीन लेने में जुटे हुए हैं। वैक्सीनेशन कार्य को लेकर रंका प्रखंड विकास पदाधिकारी ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय बसकटिया विश्रामपुर टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया। मौके पर रंका प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार प्रजापति ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी का खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि इसका लहर धीमा हुआ है, लेकिन सभी लोग वैक्सीन जरूर ले लें। कोरोना से बचाव के लिए टीका लेना अति आवश्यक है। फिलहाल टीका से ही बचने का आसान तरीका है। आगे उन्होंने कहा कि वैक्सीन के प्रति जो अफवाह फैलाई जा रही है वो गलत है। वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित बताया गया है। अफवाहों पर ध्यान न दें। घर से निकलते वक्त मास्क जरूर लगाएं, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें।